जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेज वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग मुगल दरबार और उसकी इतिवृत्ति इतिहास का भली भांति इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14वां। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? कॉर्निश, सजदा, पाइबोस या ये सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। संख्या 4 है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? बाबर ने, फेजी ने, अबुल फजल ने या फिर आपको हुमायूं ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बाबर। मुगल काल में कुल मिलाकर के 6 शासक हुए थे और 6 शासक में बाबर और जहांगीर के द्वारा ही अपनी आत्मकथा लिखी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाई थी? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने बनाई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509, 1526, 1556, 1761 ईस्वी। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा आपको 1526 ईस्वी। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेरम खां। अकबर का वजीर था कौन था? बेरम खां, मुनीब खां, टोडरमल या अबुल अब्दुल रहीम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बैरम खां। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को चलाया था? दीन इलाही धर्म को चलाया था 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में या 1581 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1581 ईस्वी में। दीन इलाही संबंधित किस शासक से थे? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या फिर जहांगीर से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर से। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो बाजार नियंत्रण के लिए या भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, मनसबदारी व्यवस्था के लिए या फिर विधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार है कि आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की, अकबर की, फैजी की या फिर अब्दुलरहीम खाने खाना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी, जिसमें अकबर के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है। अकबर निम्नलिखित में से किस पर किस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसब बनाया गया था? मनसब बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको 12,000। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर सरकार। प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में या फतेहपुर सिकरी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अकबर के समकालीन या अकबर के समय के इतिहासकार कौन थे? फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद या मोहम्मद खान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी, अकबर के समकालीन इतिहासकार रह चुके थे। प्रश्न संख्या 18 इस प्रकार है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां की पुत्री थी, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी कौन? प्रश्न संख्या 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांरा। गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी या फिर नायिका थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया गया था। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? अर्थात सबसे ज्यादा निर्माण
कार्य किसके शासनकाल में किए गए थे? प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेकर के शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो उस आसफ खान की पुत्री का नाम मुमताज महल था। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने, रोशन आरा ने, गोहर आरा ने, या किसी ने नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा ने। मुगल चित्रकला किसके समय में सबसे ज्यादा विकास या चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किया गया। तुजुक जहांगीरी की रचना किसने की थी? अब्बास खां शरवानी ने, गुलबदन बेगम ने, नूरजहां ने, या फिर जहांगीर ने? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के द्वारा। तुजुक जहांगीरी लिखी गई पुस्तक थी जो जो इसकी अपनी एक आत्मकथा थी। आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? या फिर जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शताश का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। प्रश्न संख्या 28 इस प्रकार है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ पर बिताया था? पूर्वी भारत में, या पश्चिमी भारत में, या दक्षिणी भारत में, या फिर उत्तर भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, या फिर मोहम्मद शाह? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू अगर चलते हैं तो हम लोग को बहादुर शाह जफर, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मुगल वंश के सबसे अंतिम सम्राट के रूप में बहादुर शाह जफर आएंगे। हुमायूं का भाई का नाम कौन क्या था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामरान भी होगा, अस्करी भी होगा, और या हिंदाल भी होगा। हुमायूं नामा का अंग्रेजी में भाषा में अनुवाद किसने किया था? हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेबरिज। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, या फिर अबुल फजल ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने। जजिया किससे लिया जाता था? किस जजिया कर किससे लिया जाता था? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर होगा जिमियो। जिमियो से जजिया कर ली जाती थी। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में, लाहौर में, या फिर अजमेर में? तो बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सिकरी में। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या है? मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम जहांआरा भी है, रोशनआरा भी है, गौहरआरा भी है, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बादशाहनामा किसने लिखी थी? बादशाहनामा के लिखने वाला कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा लिखी गई थी। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी थी? अकबर के आग्रह पर, या हुमायूं के आग्रह पर, बाबर के आग्रह पर, या फिर अबुल फजल के आग्रह पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के आग्रह पर। प्रश्न संख्या 38 इस प्रकार आ रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या फिर शाहजहां ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल का निर्माण करवाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, या फिर गंगा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी किनारे ताजमहल स्थित है। रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? इसका 40 का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का अनुवाद किया गया था। या सा जो राज के नियम हुआ करते थे, तो किसके समय में लागू की गई थी? या सा किसके समय में लागू या सा की गई थी? चंगेज खान के समय में या सा लागू की गई थी। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किए थे? 1582, 1583, 1584, या फिर 1585 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा 1582 ईस्वी में। दीवाने अशरफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, या फिर सेना विभाग का अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्व विभाग का अध्यक्ष। दीवाने अशरफ का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 44 इस प्रकार है, भारत में कुल
सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? 44 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किया गया था। अकबर का वित्त मंत्री कौन थे, अकबर का वित्त मंत्री का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 45 इस प्रकार है, पूछा भी जा रहा है कि अकबर का फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोडरमल। और आज का मेरा अंतिम सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर भारत का प्रथम मुगल सम्राट था, और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, और सबसे पहले तोपखाना का बाबर के द्वारा प्रयोग किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, बहुत जल्द हाजिर होते हैं अध्याय 7 का, उसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।